जिसमें से चार मरीज हमारे ट्रामा में थे, चार हमारे सिविल अस्पताल में थे, एक मरीज को और अभी हमने सिविल अस्पताल भेजा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित निकालने की है और अस्पताल पहुंचा करके उनको पुनः स्वस्थ करने की है। अभी अनुमान लगा रहे हैं, कुछ 35 बताते हैं, कुछ 40 बता रहे हैं, लेकिन अभी अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं पता है, लेकिन हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हमारी NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड, सारी टीम्स लगी हुई हैं, हम लोगों को सुरक्षित निकाल करके अस्पताल पहुंचाए, उनको स्वस्थ करें। तो इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद हैं, नगर विकास मंत्री AK शर्मा, सीएम योगी के सूचना सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी भी। तो एक तरफ युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है और डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एक बार फिर जोहेब के पास रुख करेंगे। जोहेब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो इस अफरा तफरी के बीच, तो जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर अभी और कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं अस्पताल में? बिल्कुल, देखिए आलोक, यहाँ पर चार लोग पहुंचे हैं, इन चारों का इलाज जारी है। फिलहाल ये चारों लोग कमरे के बाहर बताए जा रहे हैं और अभी जो स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर ठीक है, अभी उतनी भयावह वैसी नहीं है जैसे कि हमें स्पॉट पे देखने को मिल रही है, स्पॉट पे किस तरह से लोग दबे हुए हैं। फिलहाल वहाँ पर काफी मशक्कत की जा रही है और यहाँ साफ है, वो लगातार तैयार है। हम आपको दिखा सकते हैं कि स्ट्रेचर के साथ में एम्बुलेंस और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है वो तैयार है। यहाँ पर स्ट्रेचर है और सिलेंडर भी है ताकि कोई अगर ज्यादा गंभीर व्यक्ति आए तो उसको तुरंत एम्बुलेंस से निकाल के ही ऑक्सीजन भी चाहे और उसके लिए वो शुरू हो सके और उसका इलाज। बिल्कुल जोहेब, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास फिर आएंगे। वाहन की सब चीज की व्यवस्था की जा रही है, हर संभव प्रयास ये है कि सभी लोगों को सकुशल निकाला जाए। मलबा बहुत है जैसा कि आप देख सकते हैं, निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। धन्यवाद तो मौके पर लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। उससे पहले सबसे पहले डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे। 8-12 फ्लैट से 10 मेरे ख्याल से 8-9 फ्लैट्स में लोग रहते थे जैसा बताया गया है, तो वो संख्या अभी गेस कर पाना ठीक है। अभी जिस किसी की भी जरूरत होगी अभी देखा जाएगा, अभी फिलहाल NDRF SDRF यहाँ पे काम कर रही है। धन्यवाद।